अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 406 के लेसन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग। लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि इंसान का बिहेवियर इसके अंदरूनी फैक्टर्स की वजह से पैदा हो रहा है या माहौल में मौजूद फैक्टर्स की वजह से, यानी उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, उसका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एंड मोटिवेशन, इस अप्रोच के मुताबिक स्टूडेंट की मोटिवेशन इंसेंटिव पर डिपेंड करती है। एन इंसेंटिव इज एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट दैट इंकरेजेज और डिसकरेजेज द बिहेवियर। मसलन स्टूडेंट की तारीफ की जाए, इसे इनाम दिया जाए, तो वो एक बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा, लेकिन अगर उसे बुरा वाला कहा जाए, उसकी तारीफ ना की जाए, तो वो उस बिहेवियर को ज़्यादा चांसेस यही है कि वो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड मोटिवेशन, मैस्लो की नीड की एक हायरार्की उसने बयान की थी। इसके मुताबिक जब एक लेवल की नीड पूरी होती है तो दूसरे लेवल की नीड जन्म लेती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम फुलफिलिंग लोअर लेवल नीड्स, एंड व्हेन द लोअर लेवल नीड्स इज सेटिस्फाइड, देन वन इज मोटिवेटेड टू फुलफिल हायर लेवल ऑफ नीड्स। कॉग्निटिव अप्रोच एंड मोटिवेशन, हम सिर्फ ज़ाहिरी या फिजिकल नीड्स को ही रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि हम उनको इंटरप्रिट भी करते हैं। इनकी सोच मेन मोटिवेटर है, वो अपनी सोच के मुताबिक बिहेवियर करते हैं। सोशल कल्चरल अप्रोच एंड मोटिवेशन, यानी कि कल्चर के मुताबिक बंदे कल्चर के अंदर बंदा जो एक अपने माहौल के अंदर बंदा एक्ट करता है, उसको रीइंफोर्स किया जाता है, उसको अगर तारीफ़ करते हैं लोग, उसको अच्छा समझते हैं, तो वो बंदा मज़ीद मोटिवेट होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है और वो उस अपने बिहेवियर पर पुख्ता होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हो, उसको लोग बुरा भला कहना शुरू कर दें या अच्छा ना समझें उसको, तो वो फिर अपने उस बिहेवियर से जो है वो पीछे हट जाता है, वो बिहेवियर दोबारा रिपीट नहीं करता।